बच्चों वेलकम टू फेवरेट चैनल अन अकेडमी फाउंडेशन नाइन्थ एंड टेंथ आई एम शिवानी शर्मा योर मैथ्स एजुकेटर सो बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर सिक्स ट्राइंगल्स का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं तो एक वीडियो में आपके ट्राइंगल्स के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों याद रखिए अनलॉक योर ट्रू लर्निंग पोटेंशियल एंड गेट ट्वेंटी ऑफ एंड आपको वन मंथ फ्री एक्सटेंशन ऑन सी बी एस सी सिक्स मंथ एंड ये बेटा ऑफर वैलिड है 16 सेप्टेंबर तक All you have to do is, जल्दी से जाके यहाँ पे आप एनरोल कर लीजिए एंड यू कैन यूज माई कोड एस एस ट्वेल्व नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द ग्रेट दर चैलेंज में आई थिंक आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए आप सबको अपने आप को चैलेंज करना चाहिए यू हैव टू डू इज पे जाके आप एनरोल कर लीजिए सेवनटीन सप्टेंबर एट वन पी एम आप अपने हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट के टेस्ट लिख सकते हो और चेक कर सकते हो यार हमने जितना पढ़ा है वो सारी चीजें हमें याद है या नहीं सो डू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट सप्टर चैलेंज ठीक है चलो

एंड साइज दोनों सेम टू सेम हो सो टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर्स बट शेप भी सेम होना चाहिए साइज भी सेम होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सर्कल है एक स्क्वायर है शेप ही अलग हो गया राइट तो अगर आपको दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कॉन्ग्रेंट कहना है सबसे पहली कंडीशन क्या है शेप सेम होना चाहिए देन साइज सेम होना चाहिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्क्वायर बनाया है मैंने यहाँ पे दो स्क्वायर बनाए हैं और दोनों स्क्वायर का जो साइज है वो भी सेम है इनकी जो एज है उनका साइड कितना है बेटा लेंथ कितना है थ्री सेंटीमीटर राइट और दोनों के दोनों स्क्वायर है शेप सेम है साइज सेम है कैसे पता चलेगा दोनों का एरिया सेम आएगा क्योंकि ठीक है अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो आप इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्लियर हो रहा है सबको तो सेम शेप एंड सेम साइज है दैट मींस योर फिगर इज कॉन्ग्रिंट फिगर्स जैसे यहां पे मैंने दो सर्कल बनाए हैं दोनों का शेप सेम है दोनों का साइज भी सेम है क्यों क्योंकि दोनों की रेडियस मैंने सेम बनाई है दोनों का एरिया सेम आएगा सो so, अगर साइज सेम बोले इसका मतलब क्या दोनों का एरिया सेम होना चाहिए तो दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स कॉन्ग्रीट कब होते हैं जब उनका सेम शेप एंड सेम साइज होता है अब बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की सिमिलर फिगर्स क्या कहता है कि देखो बच्चा शेप सेम होना चाहिए जरूरी नहीं है साइज सेम हो ठीक है टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स तो दो फिगर्स सिमिलर कब होते हैं जब उनका शेप सेम हो साइज वेरी कर सकता है ठीक है क्लियर है सबको शेप सेम होना चाहिए जैसे ये दोनों के दोनों सर्कल आपने बनाए हैं यस इट इज सिमिलर फिगर दोनों का शेप सेम है साइज डिफरेंट है नो प्रॉब्लम ठीक है क्लियर है सबको व्हाट इज सिमिलर फिगर एंड व्हाट इज कॉन्क्रीट फिगर्स जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कॉन्ग्रीट फिगर्स क्या है वो फिगर्स जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम हो फिर लिखेंगे सिमिलर फिगर क्या है उन फिगर्स को सिमिलर फिगर्स कहते हैं जिनका भाई शेप सेम होना चाहिए साइज जरूरी नहीं है सेम हो ठीक है नॉट नेसेसरली द सेम साइज ठीक है साइज जरूरी नहीं है सेम हो क्लियर है सबको ओके शेप सेम होना चाहिए साइज जरूरी नहीं है अच्छा बच्चे सोच के बताएंगे क्या आप मुझे क्या ये जो दो मैंने फिगर बनाए हैं दे आर कॉन्क्रींट राइट ये कॉन्क्रींट फिगर्स है शेप भी सेम है साइज भी सेम है क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि ये सिमिलर भी होंगे

है ना सिमिलर की कंडीशन क्या है भैया शेप सेम होना चाहिए साइज सेम हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको ठीक है क्लियर है सबको चलो जी तो वी कैन कंक्लूड दैट यस एवरी कॉन्ग्रेंट फिगर इज अ सिमिलर फिगर लेकिन क्या मैं उल्टा कह सकती हूँ हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं क्या अरे नहीं मैम शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग है तो हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है ठीक है इट इज नॉट जरूरी ठीक है बच्चा तो आप कह सकते हो टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर विदाउट अ विदाउटो ऑफ डाउट यू कैन से दैट टू टू फिगर्स फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर सिमिलर बट नीड नॉट बी सेनग्रेंट ठीक है दो सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो जाएं क्लियर है सबको चलिए जी इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिमिलर फिगर्स के याद रखेंगे दो लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होती है क्या याद रखोगे दो लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होती है दो एक भी वेलन ट्रायंगल्स हमेशा होते सिमिलर होते हैं दो स्क्वायर सिमिलर हैं दो सर्कल सिमिलर हैं व्हाट इज सिमिलर फिगर शेप सेम होना चाहिए साइज वेरी कर सकता है व्हाट इज कॉन्ग्रेंट फिगर्स भैया शेप एंड साइज दोनों सेम होना चाहिए हर कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर है ट्रू और फॉल्स इन द चैट सेक्शन ठीक है इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं अब बात करते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स की आप uh, अब दो पॉलीगॉन से मेरे पास ठीक है सेम साइड के ही लेना दो क्या तभी कंपेयर कर पाओगे ठीक है मेरे पास दो पॉलीगॉन्स हैं जिनका जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड है ठीक है टू पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स ऐसा मत करना कि एक पॉलीगॉन तुमने उठाया चार साइड वाला एक तुमने उठाया पांच साइड वाला

तो यहां पे याद रखेंगे दो पॉलीगॉन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है उन्हें सिमिलर कब कहोगे जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो प्रोपोर्शनल हो ये करस्पॉन्डिंग टर्म आपके लिए नया नहीं है क्योंकि नाइन्थ में आपने ट्राइंगल्स पढ़ा है स्टिल अगर भूल गए हो मैं आपको रिवाइज करा दूंगी ठीक है यहां तक बातें समझ में आई पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होते हैं पॉलीगॉन्स तब सिमिलर होते हैं जब ये दोनों कंडीशन होल्ड हो

एटी फाइव यस करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड प्रपोशनल है या नहीं ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर कितना आएगा रेशियो चेक करके सब बताएंगे मुझे फिर सी डी अपॉन आर एस रेशियो कितना निकल के आ रहा है जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में फिर डी ए अपॉन एस पी रेशियो कितना आ रहा है मैम जो भी आ रहा है सबका सेम आ रहा है ठीक है सारे के सारे जो रेशियोज आ रहे हैं हम सबके सब कैसे आ रहे हैं सेम आ रहे हैं मतलब साइड्स कैसी है प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स वॉट दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा बच्चे ये तो आपके लिए थोड़ा टाइम बाद आएगा यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों है ये दोनों क्वाड्रिलेटरल कैसे हैं सिमिलर है कैसे है दोनों क्वाड्रिलेटरल बच्चा सिमिलर है तो सिमिलर को कैसे लिखते हो आप ये दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर ये सिमिलर का निशान होता है ठीक है कॉन्ग्रेंट का निशान क्या है किसी को याद है ये सिमिलर का निशान है कॉनग्रेंट का निशान क्या है बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्ग्रेंसी कॉनग्रेंट का निशान क्या होता है सबके के सब बता दो यार हाँ जी कॉन्ग्रेंट का निशान क्या है बेटा यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का निशान होता है इस तरीके से इस तरीके से कॉन्ग्रेंट का निशान बनाते हो एंड इस तरीके से बच्चा सिमिलर का निशान बनाते हो ठीक है आई होप ये क्लियर है चलिए जी आगे चलते हैं तो मैंने आपसे कहा यार दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होते हैं जब उनके हो, साथ साथ कंडीशन होल्ड होगी तभी आपके पॉलीगॉन सिमिलर होंगे एंगल्स भी इक्वल फिगर्स आर सिमिलर लेकिन बच्चा अब आपको सोच समझ के एकदम आराम से बैठ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं सिमिलर कब होते हैं एंगल्स इक्वल हो करस्पॉन्डिंग एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो प्रपोशनल हो आप चेक करके मुझे बताएंगे क्या ये सिमिलर है या नहीं मैं आपके आंसर का वेट करूंगी इसके बाद बच्चों अब हमारे लिए जो महा इंपॉर्टेंट है जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देखोगे वो है सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक ठीक है आपको दो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है इन शॉर्ट आपको अपनी बुक एनसीईआरटी में 6.2 एक्सरसाइज एंड 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दो से तीन बार प्रैक्टिस कर लेना है हाईली इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम बेटर चांस ये है कि ट्राइंगल के क्वेश्चन आपको अपने बुक एनसीआरटी से ही मिल जाए तो अपनी बुक को छोड़ के मत जाना अच्छे से पढ़ के जाना है ट्राइंगल्स एक्साम्पल्स एक के साथ आपको सॉल्व कर लेना है ठीक है तो यार हमारे लिए मात्र दो एक्सरसाइज दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है टॉपिक नंबर वन इज बेसिक प्रपोशनैलिटी थ्योरम और इसका उल्टा दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसके अंदर आपको दो टॉपिक पढ़ना है फर्स्ट इज वट इज बेसिक प्रपोशनैलिटी थ्योरम कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेसिक प्रोपोशनलिटी थ्योरम को और भी क्या कहते हैं यस 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 जल्दी सबके सब लिख दो तो बच्चा बीपीटी थ्योरम राइट एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ आपको पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं वी हैव अ फॉर्मुला तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में बेटा हमारे पास तीन या चार कंडीशंस होती हैं कंडीशन नंबर वन इज ट्रिपल ए कंडीशन नंबर टू इज डबल ए ंगल साइड तो इन कंडीशन के थ्रू हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड बी पी टी को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो चलो बिल्कुल भी टाइम को नहीं गवाते और सबसे पहले समझते हैं वॉट इज बेसिक प्रपोशनैलिटी थ्योरम या थेल्स थियोरम येस yes, आप सब लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही लिखा है बेसिक प्रपोशनैलिटी थ्योरम को हम लोग थेल्स थियोरम भी कहते हैं मैम स्टेट एंड प्रूफ आ सकता है पेपर में यस yes, बच्चा स्टेट एंड प्रूफ आ सकता है पेपर में स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम मैम ये तो पढ़ाया ही नहीं अरे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही है ठीक है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम इस तरीके से पेपर में आ सकता है ये थ्योरम बहुत बार पूछी गई है ठीक है मतलब इसका स्टेटमेंट भी याद करना है और इसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए चलो स्टेटमेंट याद करते हैं स्टेटमेंट यार बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना ट्राइंगल से तो या ट्राइंगल के ऊपर ही होगा ठीक है इफ अ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ में कितनी साइड होती है बच्चा ट्राइंगल में तीन साइड होती है ठीक है हमें क्या करना है हमें किसी एक साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ठीक है भैया हमने डी ई पैरल टू बी सी बना लिया हमने क्या बना लिया डीई पैरेलल टू बी सी बना लिया इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल ठीक है अब भैया जब तुम इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ करने निकले होगे ना तो पता है क्या किया होगा इस लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया तो, e तो पता है क्या जब तुमने इसको इससे पैरेलल बनाया ये A, और A, में तुमने यार एक पॉइंट यहां पर रख दिया इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट डी एंड ई तो पता है इनने क्या किया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ने पता है क्या किया अदर टू साइड्स को डिवाइड कर दिया सेम रेशियो में दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बच्चा ए अपॉन ई सी हो गया ठीक है तो अगर आप देखते हो कि अगर कोई एक साइड ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल है इफ अ साइड इज पैरल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल ठीक है

सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया दैट मीनस वॉट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी दो बार कॉमेंट सेक्शन में थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के दिखाओगे मुझे सबके सब, सब ठीक है अब चलते हैं बच्चे इसके प्रूफ की तरफ इसका प्रूफ बड़ा ही प्यारा है वेरी सिंपल प्रूफ थोड़ा सा नाइन्थ का कंसेप्ट यूज होगा आओ यार अब कभी भी थ्योरम एग्जाम में आती है ना तो उसको कैसे लिख कर आते हैं और कैसे यार पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आते हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे अपन सबसे पहले बच्चा लिखते हैं गिवन तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन था बच्चों हमारे पास गिवन था एक ट्राइंगल ठीक है बोला ना उन्हें थाल सी ठीक है इन विच पैरेलल टू बी सी क्योंकि आपने ड्रॉ किया था वो पैरेलल इट्स गिवन ठीक है मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें डीई बी सी से पैरेलल है एंड डीई ने इंटरसेक्ट किया है ए बी को डी -E ने इंटरसेक्ट किया है ए सी को D -E ने को इंटरसेक्ट किया है डी एंड ई पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली हमको क्या प्रूव करना है हमको ये प्रूव करना है कि भैया इस लाइन ने ये जो लाइन पैरल हमने ड्रॉ की ना इससे इस, इस लाइन ने हमारे ट्राइंगल के अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया यानी वी हैव टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एन ई सी चेक कर लो सबके सब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एन ई सी अब ये प्रूव करने के लिए हमको ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन नंबर वन वट वी हैव डन इज हमने ई एल को परपेंडिकुलर बनाया ए बी पे बच्चा ध्यान से देखोगे ई एल को ए बी पे परपेंडिकुलर डी एम को ए सी पे परपेंडिकुलर फिर हमने बीई को और CD को ज्वाइन कर दिया है इतना काम हमने करके रख लिया अब हम इसका प्रूफ देखेंगे ठीक है चलो बच्चा जी इसके प्रूफ पे चलते हैं अपन क्या आप लोग सबके सब मेरे साथ इस फिगर को बनाना चाहते हो लेट अस मेक दिस फिगर ठीक है बच्चों बनाओ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास एक ट्राइंगल ABC था हमको यहां पे बोला था कि डी पैरेलल है बी से हमने क्या इससे कुछ काम चलेगा नहीं चलो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक एक करके कंस्ट्रक्शन करते हैं ठीक है सबसे पहले बच्चा मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया EL, और मैंने बी सी को बीई को ज्वाइन कर लिया ठीक है पहले आप इतना हिस्सा देखो अब क्योंकि मुझे प्रूफ करना है तो बेटा बेटा पता है मैं क्या करने वाली हूं प्रूफ में प्रूफ में सबसे पहले हम पकड़ेंगे ट्रायंगल ए ई को अरे ट्रायंगल तो भाग गया रुको, रुको 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 हाँ हम पकड़ेंगे ट्रायंगल ए डी ई -E को पकड़ लो यार ए डी ई -E ट्रायंगल को पकड़ लो और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई मुझे बता दो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ बेस इनटू हाइट ठीक है हाइट क्या होगा ये परपेंडिकुलर अब हाइट जिस पे गिरी है दैट बिकम्स द बेस तो यहां पे आप लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ए डी ई ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हाफ बेटा बेस होगा ए डी एंड हाइट क्या होगा e अब समझ में आया ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया हमने ठीक है इसके बाद नेक्स्ट एक और ट्राइंगल हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल ये छोटू वाला ट्राइंगल ट्राइंगल डीबीई -E. ठीक है एक और ट्राइंगल हम लेंगे वी आर टेकिंग अ ट्राइंगल डीबीई बेटा DBE बी ट्राइंगल में हाफ मैंने लिख दिया है बेस और हाइट तुम बताओगे मैम कहाँ है इसमें तो आपने कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ही नहीं अरे बच्चा ये जो हाइट है ना ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है तो आप ये देखेंगे ट्राइंगल डी के लिए हाइट का रोल कौन प्ले कर रहा है ई कर रहा है हाइट पे गिरती है वो बेस बनता है तो बेस कौन होगा यहाँ पे बी ठीक है तो दिस विल बी हाफ बी डी इन टू e सबको समझ में आ गया चलिए जी अब यार फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को बच्चा डिवाइड कर दो सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे अरे क्या लिखेंगे आप हाँ 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 बताओ 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 क्या लिखोगे बच्चों आप लिखोगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना आ रहा है इसको इससे डिवाइड करो हाफ से हाफ चला गया EL से EL चला गया, गया? तक सबको समझ में आ गया. किसी को कोई समस्या? समस्या है तो है तो जल्दी से बता दो. All good, all fine. ठीक है बच्चा. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप ठीक है अब मैं इस फिगर को फिर से बनाती हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी विल डू इज चलो बच्चा सब लोग साथ में फिर से फिगर बनाते हैं आ जाइए दिस इज ट्राइंगल ए बी सी हम्म ट्राइंगल ए बी सी ये रहा ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमको क्या गिवेन था हमको गिवेन था मैम डी ई पैरल है बी सी से अच्छा जी फिर आपने मैम हमसे कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया था क्या कंस्ट्रक्शन मैम यहाँ पे आपने डी एम पेंडिकुलर टू ए सी गिर था एंड साथ में आपने कहा था कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए अब बच्चा अब हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रूफ में हम फिर से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADE निकालेंगे सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADE बच्चों क्या होगा व्हाट विल बी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADE सब के सब बताएंगे यार जल्दी से सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADE क्या होगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADE हम्म, हाफ बेस इनटू हाइट सो हाइट का रोल कौन प्ले कर रहा है DM हाइट किस पे गिर रहा है गिर रही है AE पे सो हाफ बेस इनटू हाइट में बेस क्या होगा हाइट क्या होगा बेटा डी चेक कर लो हाफ बेस इंटू हाइट क्लियर है अब बच्चा एक और ट्राइंगल पकड़ेंगे कोई बताएगा कौन सा ट्राइंगल होगा कोई बताएगा क्या यस वी विल टेक दिस ट्राइंगल ठीक है ट्राइंगल ई ओके ट्राइंगल ईसीडी सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ई सी डी क्या होगा बच्चा हाफ बेस इंटू हाइट मैम हाइट तो है नहीं अरे

अब हम फिर से फिगर बनाएंगे हम फिर से बनाएंगे डायग्राम ठीक है बच्चों प्लीज आप मुझे बताएंगे यार प्लीज है ना हमने नाइन्थ में ना ट्राइंगल पढ़ा है मैम मत नाम लो यार हमको याद नहीं है चलो कोई बात नहीं हम अभी फिर से पढ़ लेंगे तब नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो ठीक है दिस इज डी अच्छा यार मैंने इसको ज्वाइन किया था इसको ज्वाइन किया था मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूं मुझे बताना मेरे कौन कौन से बच्चे रोने लगेंगे इस लाइन को देख के एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डी बी ज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ई किस किस को रोना आ गया माम ये कैसे इक्वल हो गए अरे बच्चा ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल एव इक्वल एरिया सेम बेस पे है सेम पैरेलल्स के बीच में है दोनों के दोनों तो इनका एरिया इक्वल होगा हाँ तो इसका मतलब क्या है रे इसका मतलब ये है कि यहां पर डी

फ्रॉम कौन सी इक्वेशन फिफ्थ है ना एंड थर्ड फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन आप कह सकते हो यस 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 एडी अपॉन बी इज इक्वल टू एन ई सी चेक कर लेंगे सबके सब जल्दी सब. से चेक कर लेंगे आप देखो ना एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू एन ई सी ठीक है अब ये आधा आधे फिगर्स बनाए थे आप यार इसको पूरा बना लो ठीक है सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से फिगर्स को आधा आधा बना दिया था इसको ज्वाइन कर लो इसको कर लो, आपको तो है पूरा ही फिगर बनाना है आपकी बीपीटी थ्योरम थी एक बार वीडियो को फिर से सुन सेक्शन को आपको पूरा समझ में आ जाएगा सो आई होप बीपीटी क्लियर है बीपीटी सिर्फ ये कहती है ट्राइंगल में अगर यार एक ये पैरेलल है इससे तो यहाँ पे जो साइड्स है इनके जो रेशियो होंगे दे विल बी सेम ठीक है चलो इसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बीपीटी के ऊपर या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस रिजल्ट को सुन लो हम बच्चों को जनरली ऐसा लगता है कि बीपीटी मतलब क्या अगर यार डीई बीसी से पैरेलल है अगर डीई बीसी से पैरेलल है सबको क्लियरली दिख रहा है यस yes. अगर बच्चा डीई बीसी से पैरेलल है हमको सिर्फ इतना लगता है कि बीपीटी सिर्फ ये कहता है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी हमको यही लगता है ना कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी बस हमें इतना लगता है लेकिन बेटा दो बातें हमें और लगनी चाहिए क्या ए बी अपॉन डी बी हम यहां से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं हम यहां से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बीपीटी ओनली कि यार ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी ऐसा भी हो सकता है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि ए बी अपॉन डीबीवल टू ए सी अपॉन या फिर ऐसा भी हम कंक्लूड कर सकते हैं बीपीटी के ही रिजल्ट से ए डी वेर इज एडी दिस इज ए डी एडी अपॉन ए बी ठीक है इज इक्वल टू वॉट एपॉन ए सी छोटा बड़ा छोटा बड़ा ठीक है बड़ा छोटा बड़ा छोटा 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 इस तरीके से भी आप रिजल्ट को कह सकते हो ये सब के सब बीपीटी के ही रिजल्ट है हमको सिर्फ इतना लगता है बीपीटी मतलब ए डी अपॉन डीबी ए एपॉन ए सी और भी होता है बेटा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू एई अपॉन ए भी बोल सकते हो या फिर ए बी अपॉन डी बी या फिर ए सी अपॉन ई सी भी कह सकते हो उल्टा भी कर सकते हो उसको ठीक है क्लियर है सबको राइट तो यार इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे ये भी बीपीटी का ही पार्ट है

इस लाइन ने क्या किया डिवाइड कर दिया किसको एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को कैसे सेम रेशियो में अच्छा तो ये जो लाइन है ना लाइन ये 100% इससे पैरेलल रही होगी ठीक है मतलब रेशियो सेम गिवन है आपको प्रूव करना होगा कि डेफिनेटली यार ये लाइन कैसी होगी डेफिनेटली ये लाइन पैरेलल होगी अब इसका प्रूफ कैसे करना है सबसे पहले चलो आओ समझते हैं ये रहा फिगर इस क्वेश्चन में आपके लिए तो बेटा सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि यार हमारे पास कुछ गिवन है क्या गिवन है हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी गिविन है और एक लाइन एल है जो इंटरसेक्ट करती है ए बी को डी पॉइंट पे एंड ए सी को ई e पॉइंट पे ठीक है ये रही मेरी लाइन एल चलो यहां लिख देती हूँ ये रही यार मेरी लाइन एल ठीक है ये जा रही है बाहर की तरफ दिस इज माई लाइन एल इस लाइन एल ने क्या किया इस लाइन एल ने ए बी को डी पॉइंट पे एसी को ई e पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया पता है कैसा इंटरसेक्ट किया? इंटरसेक्ट किया? किया ऐसा कि अपॉन अपॉन इक्वल इंटरसेना है यानी ये हमको, e हमको लाइन को बेटा पैरेलल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे हमको ये शो करना है कि ये लाइन इससे पैरेलल है हमें गिवन है कि हमें ये गिवन है हमें तो यार हमारी लाइन को पैरेलल शो करना है तो व्हाट वी विल डू इज हम कहेंगे चलो चलो एक काम करते हैं। possible, ऐसा, हमने ऐसा किया हमें प्रूव करना है कि डीई बी सी से पैरेलल है पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बी सी तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई एक लाइन होगी अगर मेरी डी ई से पैरेलल नहीं है तो 100% परसेंट या डी से कोई ना कोई लाइन तो निकली होगी जो कैसी रही होगी जो मेरी बीसी से पैरेलल रही होगी तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि लेट यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि लेट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी हमने कह दिया कि ठीक है इफ पॉसिबल लेट इसी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी तो भैया ये पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन निकलेगी ना डी से जो बीसी से पैरेलल होगी मैंने कहा इज पैरेलल टू BC. हमने ये अज्यूम किया ठीक है हमने क्या किया बेटा हमने ये अज्यूम किया हमने ये लेट किया अब क्योंकि से पैरेलल है मेरे पास है डी एफ बी सी से पैरेलल है तो भाई मेरे पास थेल्स थ्योरम है यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा दो जल्दी से यहाँ पे जब थेल्स थ्योरम आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चा आपको मिलेगा एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन बोलो बोलो एफ सी देखो ना ये इससे पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस थेल्स थ्योरम ये कैसे किया आपने बाय बेसिक प्रपोशनैलिटी थ्योरम हम ऐसा कह सकते हैं ठीक है, है भैया इतना कह दिया हम करना क्या है हमको प्रूव करना है कि डी ई बी सी से पैरेलल है हमने कहा ठीक है अस अज्यूम दैट कि भैया डीई बीसी से पैरेलल नहीं है वो नहीं है तो कोई और तो होगी तो कौन निकली वो डी एफ हमने कह दिया से पैरल है अगर डी एफ बीसी से है तो भाई अब थ्योरम लगा दो थ्योरम लगाया अपॉन अपॉन इज इक्वल टू आ आ गया फिर क्या करें कुछ नहीं आ रहा ना? दोनों तरफ प्लस वन कर दो ठीक है दोनों तरफ प्लस वन कर दो ठीक है मैम मान लेते हैं आपकी बात दोनों तरफ प्लस वन कर दिया मैम इससे क्या होगा अरे भाई सब्र रखो सब्र कुछ तो होगा प्लस कर दो तो क्या आएगा एडी प्लस डी बी

दिस इज ए सी डिवाइडेड बाई एफ सी ऐसा कुछ आया ऐसा कुछ आया क्या हमारे पास देखेंगे सबके सब। हमने दोनों साइड प्लस वन कर दिया हमको क्या मिला हमको मिल रहा है एडी प्लस डी बी है ना एडी प्लस डी बी कुछ 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 गड़बड़ है क्या सबके सब। अरे नहीं 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 कुछ गड़बड़ नहीं है बहुत गड़बड़ है क्या गड़बड़ है हमने एक रिजल्ट का तो यूज किया ही नहीं हम बहुत खुश हो गए भैया रुक जाओ एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ ये पूरा काम करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे वरना मैम कोई मतलब ही नहीं होगा हम वैसे ही फंस चुके हैं इतना काम करके राइट ये काम किया हमको कुछ हुआ ही नहीं उससे तो क्या करें यार हमको गिव था ना कुछ भूल गए क्या गिविन था हमको गिवन था कि ए डी बाई डी बी बच्चा इसके बराबर है तो इसकी हेल्प ले लो यहाँ पे ए डी बाई डीबी की जगह पे जो चीज गिवन थी यार उसको लिख दो क्या गिवन था बच्चा ए अपॉन ई सी तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप लिखेंगे ए अपॉन ई सी अब हमारा काम हो पाएगा वरना कुछ हो ही नहीं पा रहा था ठीक है ए अपॉन ई सी एंड दिस इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी भैया अब दोनों तरफ one add कर दो विल बी एपन ई सी प्लस वन इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन बेटा एल सी ले लो तो ए प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी मैम क्या हो रहा है इससे अरे कुछ तो हो रहा होगा रुको 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 ए प्लस ई सी ए सी क्या होगा बेटा ए सी होगा तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया ए सी डिवाइडेड बाईसी एफ प्लस एफ सी ए एफ प्लस एफ सी क्या हो रहा है ए सी ठीक है अब बनाना काम अपना ठीक है जी ए सी से ए सी कैंसल आउट आपको क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है ई सी इक्वल टू एफ सी ईसी किसके बराबर आ रहा है हाईसी के बराबर आ रहा है ईसी इक्वल टू एफ सी आ रहा है ऐसा हो सकता है क्या कुछ गलत किया क्या मैंने बच्चों जल्दी से बताओ कुछ गलत किया क्या नहीं मैम कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे ई इतना है ई बराबर FC ये तो तभी पॉसिबल है मैम जब E एंड F क्या कर रहे हो जब E एंड F को इनसाइड कर रहे हो दैट मीनस वॉट वो जो एफ है ना उसको कुछ नहीं इधर ही होना पड़ेगा उसको इधर ही होना पड़ेगा और अगर एफ इधर ही होगा तो बेटा डी एफ अगर बी सी से पैरल था ई एंड एफ आर को इन साइडिंग पैरल टू बी सी किस किस को यार ये बात समझ में आ गई एवरी वन जल्दी से बता दो एफ फटाफट ये तभी पॉसिबल है जब को इन साइड होगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि यार डीई हमारा बीसी से पैरल है इसके साथ यार ये प्रूफ हो जाता है ठीक बच्चो, है बच्चों आई होप ये क्लियर है नो समस्या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो हाँ जी जल्दी से बता दो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो इसके ऊपर क्वेश्चन वहां इंपॉर्टेंट है भाई आ जाओ सॉल्व करेंगे अपन ये रहे कुछ क्वेश्चन आपके सामने ये कहता है कि यार दो फिगर से डीई बी सी से पैरल है एंड फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड ये ए डी तुम फाइंड करोगे फर्स्ट मैं करवाऊंगी ठीक है क्या बोल रहे है डीई इज पैरल टू बी सी ओके okay, जी फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड आप करेंगे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी है शानदार क्या लगाओगे थेल्स थ्योरम लगाओगे ठीक है यहां पे क्या है एडी तो बाय थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए एए अपॉन ईसी कह सकते हैं ऐसा यस yes. चाहिए क्या ईसी चाहिए अरे बता देंगे एडी कितना है बेटा 1.5 डी बी कितना है बच्चा थ्री ए ई कितना है वन ई सी कितना है वही तो निकालना है ठीक है जी तो यार ये जंप करके यहाँ फिफ्टीन वन सा फिफ्टीन टू सा थर्टी तो बच्चा जी ई सी की वैल्यू टू आ रही है ये सो नो ई सी की वैल्यू टू आ रही है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप ठीक है डेसीमल नीचे आ गया फिफ्टीन वन सा फिफ्टीन टू सा वल टू वन अपॉइंट ईसी तो ई सी कितना हो जाएगा बेटा टू हो जाएगा सबके सब जल्दी से यार इसका आंसर चेक करेंगे एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूंगी तो आपको मुझे इसका आंसर देना है ठीक है क्लियर है चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चा अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ इन दिस फिगर एल एम इज पैरल टू सी बी अच्छा जी आओ पढ़े साथ में एल एम किसके पैरल है सी बी के पैरल है अच्छा और हमको तो भैया ट्राइंगल भी नजर आ रहा है किस किस को ट्राइंगल दिख गया मेरी तरह किस किस को ट्राइंगल दिख गया ट्राइंगल दिख गया हमको है ना क्या बोल रहे हैं कि दिस इज पैरल टू बी सी एक बार बनाए इस फिगर को अलग से यहाँ पे ये इस तरीके से है दिस इज ए सी बी ये रहा एम एल ये इससे पैरल है ठीक है थ्योरम मैम कहा है थ्योरम मैम आपने तो ऐसा पढ़ाया था थ्योरम में कि ये इससे पैरल है

तो दिस विल बी वॉट ए एम ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी एल सी बोला है मैंने ठीक है ए एल अपॉन एल सी राइट क्लियर है चलो इसका काम हो गया इसको उड़ा दिया जाए यहाँ से इसको हटाओ फिर बात करते हैं बच्चा साथ में इन हमको और भी कुछ बोला है क्या बोला है इनने बोला है कि यार एल एन पैरल है सी डी से दिस इज योर एल एन एंड इट इज पैरल टू सी डी अच्छा ऐसी बात है ये इससे पैरल है भैया हमको तो ट्राइंगल दिख रहा है किस किस को दिख गया ट्राइंगल दिख गया ट्राइंगल ये वाली लाइन इससे पैरल है लगा दो क्या थेल्स थेवरं। थेल्स थ्योरम थ्योरम लगाओगे तो क्या मिलेगा बेटा जी आपको मिलेगा ए एन अपॉन एनडी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी चेक कर लो जल्दी से ये ट्राइंगल है ए डी सी एल एल इज पैरल टू डी सी तो ए एन अपॉन एनडी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी ऑल गुड ठीक है यार दोनों में आप देख सकते हो कि दोनों का आर सेम है तो दोनों का एल भी क्या होगा बच्चा सेम होगा तो यहां से आप लिख सकते हो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी ऐसा लिख सकते हैं यस yes, हम लिख सकते हैं हमको प्रूफ क्या करना था अरे हमको यही तो प्रूफ करना था नहीं मैम मैम ये तो प्रूफ नहीं करना था हमको तो प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन आपका तो नहीं आया अरे अरे आएगा बेटा आएगा ऐसे कैसे नहीं आया सुनो अब क्या करोगे ये जो आपके पास आया है ना इसका रेसिप्रोकल कर दो तो दिस बी एम बी अपॉन ए एन है ना फिर क्या लिखा है एनडी अपॉन ए एन रेसिप्रोकल किया मैम क्यों करेंगे रेसिप्रोकल एक मिनट दो मुझे दोनों तरफ प्लस वन कर लो दोनों तरफ प्लस वन कर लेंगे आएगा बेटा आएगा, आएगा आंसर ठीक है फिर एलसीएम ले लीजिए एम बी प्लस ए एम डिवाइडेड बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एम डिवाइडेड बाई ए एन अच्छा फिगर को देखेंगे वॉट इज एम बी सबके सब एम बी प्लस ए एम क्या है बच्चा एम बी प्लस ए एम ए बी है ना हा डिविजन में क्या है ए एम इज इक्वल टू एनडी प्लस ए एन एनडी प्लस ए एन क्या है बेटा ए डी डिविजन में क्या है आपके पास ए एन उल्टा कर दो बेटा इसको सो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी आ गया बेटा यही लेकर आना था क्या यही लेकर आना था क्या ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी तो इस तरीके से आ गया जहां लग रहा है थेल्स थ्योरम लगाओ थेल्स थ्योरम इनको इक्वेट कर दो आंसर सेम नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लस वन करोगे आ जाएगा रेसिप्रोकल कर दो या देखो हमको चेंजेस जिसमें करना था ए एम और ए एन में तो चेंजेस नहीं करना था ना तो इसलिए हमने यार उसको डिनोमिनेटर में रखा चेंज हमको किस में करना था चेंज हमको इनमें करना था तो जैसे न्यूमिनेटर में ले गए ठीक है इसमें तो कोई चेंज नहीं करना था ये तो हमको एज इट इज चाहिए तो भैया इसको कहा तुम शांति से यहाँ बैठो तब तो तुम्हारा काम हो जाएगा तब हम तुम्हें उल्टा कर देंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा ठीक है आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है यार बड़ा ही शानदार सवाल था चलो यार एक और क्वेश्चन करते हैं ये वाला क्वेश्चन उड़ा दो सब के सब क्या कह रहा है ये डीई इज पैरेलल टू ओक्यू एंड डीएफ इज पैरेलल टू ओआर शो कर दीजिए कि ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि ना जाने क्या करना है भैया बहुत सिंपल है क्वेश्चन सुनो डीई इज पैरेलल टू ओक्यू पहले ढूंढ लेते हैं अपन है ना कि टफ ना निकल जाए क्वेश्चन डीई इज पैरेलल टू ओक्यू दिस इज डीई इट इज पैरेलल टू ओक्यू ओके okay, जी हमको यहां पे क्या गिवन है हमको गिवन है कि डीई इज पैरल टू ओ क्यू ट्राइंगल ढूंढो जल्दी से ट्राइंगल कहां है आपका आपका ट्राइंगल है यहां पे ये रहा आपका ट्राइंगल ये इससे पैरल है क्या लगाओगे बेटा थेल्स थ्योरम लगाएंगे मैम ठीक है थेल्स थ्योरम लगा दो कैसे पीई अपॉन ई क्यू आप लिखेंगे यहां पे पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन डी ओ अपॉन डी कैसे आया बीपीटी से आया ठीक है ओके okay जी फिर हमको डी एफ पैरल टू ओ भी दिया है तो ठीक है इसको हटाते हैं अपन यहां से हमें क्या गिवन है हमें यहां पे गिवन है हमें यहां पे गिवन है कि यार डी इस इज पैरल टू ओ ठीक है ट्राइंगल ढूंढो बच्चों ट्राइंगल ढूंढो जल्दी से ट्राइंगल है ये वाला ठीक है ना ये इससे पैरल है क्या करोगे मैम थेल्स थ्योरम लगाएंगे शाबाश बच्चों आपको क्या गिवन है डी एफ इज पैर टू ओ थ्योरम लगा दो जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताएंगे पी एफ अपॉन एफ आर है ना पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन बोलो बोलो पी डी अपॉन डी ओ पी डी अपॉन डीओ बी पीटी से आ गया दिस इज इक्वेशन वन दिस इज इक्वेशन टू ध्यान से देखो दोनों दोनों EQ किस -किस को ये बात समझ में आ गई क्लियर है अच्छा अब क्या मैम कुछ तो हुआ है कुछ तो हुआ है हमको लाना क्या था मैम हमको बेटा प्रूव करना था किल क्यू आर मुझे तो यार जहां दो लाइन पैदल दिख गई ट्राइंगल दिख गया अब पढ़ तो लिया लाना क्या था लेके आना था ई एफ टू क्यू आर अच्छा डायग्राम को देखते हैं अपन दिस इज ई एफ टू क्यू आर लाना था ट्राइंगल देखो ट्राइंगल देखो ट्राइंगल कहाँ है आपका आपका ट्राइंगल है ये रा इसको इसके पैरल करना है ऑफ बीपीटी है ना इसको अगर इसके पैरल करना है तो हंड्रेड परसेंट पीई अपॉन ई क्यू को पी एफ अपॉन एफ आर होना चाहिए क्या बोला तुमने पीई अपॉन ई क्यू को किसके बराबर होना है पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होना है अरे ये तो अपने आप आ गया इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया आप लिख देंगे Therefore. Therefore, पैरल टू क्यू आर किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना पैरल हो गया या नहीं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी टी राइट ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है आई होप बच्चों बेसिक प्रोफेशनैलिटी थ्योरम आपको क्लियर है इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये हमने डिस्कस कर लिया है कभी भी बीपीटी के ऊपर सवाल आते हैं बच्चों पता है आपको क्या फोकस करना है आपको सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करना है कि बस वो दो थ्योरम्स थोर, को याद रख लो प्रूफ इंपॉर्टेंट क्यों है प्रूफ अगर समझ लोगे ना एक बार तो थ्योरम और अच्छे से समझ में आ जाती है पहली चीज स्टेटमेंट याद कर लेना इसके साथ बच्चों पता है क्या होता है ना जैसे आपने देखा कि दो लाइन पैरेलल है आपका दिमाग अपने आप कहेगा ट्राइंगल ढूंढो आपने ट्राइंगल ढूंढ लिया फिर लगा दो बीपीटी थ्योरम दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस ठीक है फिर मान लो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो हंड्रेड परसेंट

टॉपिक पे बेस्ड जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना सॉल्व जरूर करना और कहीं फंसो तो यार प्लीज़ मुझे बताना बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम ट्राइंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं सबसे पहले एक बार समझते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे अगर मैं कोई दो ट्राइंगल्स आपके सामने यहाँ पे बनाऊँ और आपसे पूछूं यार बच्चों ये दो ट्राइंगल्स मेरे कब सिमिलर हैं तो आप क्या आंसर दोगे दिस इज ट्राइंगल एबीसी एंड दिस इज ट्राइंगल डी ई एफ मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों मेरे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे मैम हाँ इनकी करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए सारे अच्छा बेटा एंड इनकी करस्पोंडिंग साइड्स मैम प्रोपोर्शनल होनी चाहिए मतलब आप मुझसे ऐसा कह रहे हो कि मैम इस केस में आपका ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ ओके करस्पोंडिंग साइड्स मतलब ए बी डिडेड बाई डीज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई इजल टू ए सी डिड बाई डी एफ मैम ऐसा होना चाहिए अच्छा मतलब ए डी के बराबर है बी ई e के बराबर है सी एफ के बराबर एंड ए बी डी ई ए बी अपॉन डी ई शुड भी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ शुड भी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ ऐसा होना चाहिए मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड भी इक्वल करस्पोंडिंग साइड शुड भी प्रपोशनल अगर ऐसा है दर मै टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और मैं इसको जाके ऐसा लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बहुत काम करना पड़ रहा है यार तीनों एंगल्स को इक्वल बताओ तीनों साइड्स को मतलब प्रपोर्शनल बताओ काम तो बहुत करना पड़ रहा है ना तो इस काम को बचाने के लिए आपके पास कुछ आपके पास कुछ क्राइटीरियाज होते हैं उन क्राइटीरियाज की हेल्प से आप बहुत आसानी से अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो एंड वो क्राइटीरियाज क्या है ट्रिपल एस एस ए एस ट्रिपल ए डबल ए ठीक है उन क्राइटेरियाज को एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों यहां पे ट्राइंगल का नाम लिखना आपको आना चाहिए हम अपने आप से रैंडमली नाम नहीं लिखते हैं यहां पे नाम लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट किस ऑर्डर में आप नाम लिख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे यहां पे अगर मैंने ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है इन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्योंकि देखो बेटा ए डी के बराबर है ए डी के बराबर है बीई e के बराबर है बीई के बराबर है सी एफ के बराबर है सी एफ के बराबर है AB upon DE है, AB upon DE, BC upon EF, BC upon EF, AC upon DF, AC upon DF. कैसे लिखते हैं? ये दोनों ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा पहला वाला लास्ट वाले के साथ। क्या ऐसा लिखा था यहाँ पे? हाँ। क्या यही एंगल इक्वल है? हाँ। तो क्या मैंने नाम सही लिखा है? हाँ। तो इस तरीके से नाम लिखा जाता है। ठीक है चलो अब हम सीखते हैं कुछ क्राइटेरिया जिसकी हेल्प से हम अपने ट्राइंगल को बहुत आसानी से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया है uh, is, ट्रिपल ए सिमिलारिटी। अब ट्रिपल ए में क्या होता है एंगल 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 यानी कि अगर यार मेरे पास कोई दो ट्राइंगल है मेरे पास कोई दो ट्राइंगल है सपोज सब करो सबके सब एक ट्राइंगल है ए बी सी और यार एक ट्राइंगल है मेरे पास डी ई एफ अब अगर मैं ऐसा बताना चाहती हूं कि मेरे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है मेरे पास ऑप्शन है ट्रिपल ए क्राइटेरिया का यूज कर लू अब ट्रिपल ए क्राइटेरिया कब यूज करते हैं जब ये एंगल्स कैसे हो इक्वल हो मतलब यार ये एंगल मान लो इसके बराबर है ठीक है फिर आप ऐसा मान लीजिए कि आपका ये वाला जो एंगल है ठीक है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल फिर आप ऐसा मान लीजिए कि यार आपका ये वाला जो एंगल है ठीक है ये वाला एंगल इसके बराबर है ठीक है अगर ऐसा कुछ आपके क्वेश्चन में गिवन है कि दो ट्राइंगल्स हैं और उनके कुछ कुछ एंगल्स आपको इक्वल दिख रहे हैं ठीक है जैसे एंगल ए एंगल डी के बराबर है एंगल बी एंगल ई e के बराबर है एंगल सी एंगल एफ के बराबर है तो मैं बहुत आराम से कह सकती हूँ कि मेरे जो ये दो ट्राइंगल्स हैं ना आर सिमिलर क्योंकि मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि एंगल ए किसके बराबर है एंगल डी के बराबर है एंगल बी किसके बराबर है एंगल ई के बराबर है एंगल सी किसके बराबर, e बराबर, किस बराबर है बच्चा एंगल एफ के बराबर है तो मैं कह सकती हूं कि माई ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ अब देखो नाम अच्छे से देखना ए डी के बराबर था हाँ ई e के बराबर है हाँ सी एफ के बराबर था हाँ तो नाम तो बिल्कुल सही लिखा है ये दोनों कैसे हो गए? सिमिलर हो गए गए सिमिलर किस क्राइटेरिया से हो गए ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हो गए तो अगर कभी किसी दो ट्राइंगल में तीनों एंगल्स करस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल है राइट तो आप कह सकते हो कि आपके ट्राइंगल्स कैसे हैं सिमिलर हैं अभी ट्राइंगल्स सिमिलर है अगर तो बेटा आप बाकी की चीजें भी लिख सकते हो जैसे अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हंड्रेड परसेंट इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो भी कैसे होंगी प्रपोशनल होगी तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है आपने ट्रिपल ए से शो कर दिया तो इसमें जो बाकी की चीजें होगी वो भी इक्वल आ जाएगी मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी दैट मीन्स वॉट आप लिख सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो वी कैन से दैट ए बी अपॉन डीई देखो कैसे लिखेंगे ए बी अपॉन डीई क्वल टू डी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इस तरीके से आप लिख सकते हो कैसे ट्राइंगल सिमिलर है तो ऑफ सिमिलर करस्पॉन्डिंगल ठीक है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड से लिख सकते हो ट्रिपल ए से आपने शो कर दिया भैया ट्राइंगल सिमिलर है इफ इन ट्राइंगल इज सिमिलर तो इनके भी कैसी होगी होगी याद करो ट्राइंगल

चेक करो नाम ए बी सी डी एफ से सिमिलर है तो भैया ए बी अपॉन ई होगा बी सी अपॉन ई एफ होगा ए सी अपॉन डी एफ होगा ठीक है दिस इज योर ट्रिपल ए सिमिलैरिटी आफ्टर ट्रिपल ए सिमिलैरिटी आर वी ऑल्सो सिमिलैरिटी पहले आपको सारी सिमिलैरिटीज पढ़ा देती हूँ उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे वी हैव डबल ए सिमिलैरिटी कुछ नहीं ट्रिपल ए से ही आया है डबल ए डबल ए सिमिलैरिटी ये कहती है कि भैया आपको तो तीन एंगल्स की भी जरूरत नहीं है अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं इफ आई हैव टू एक ट्रायंगल है बच्चा ए बी सी और एक ट्राइंगल है यार मेरे पास वही अपना प्यारा सा डी ई एफ और यहाँ पे बच्चा पता है क्या हो गया यहाँ पे ये यह हो गया कि यार मान लो ए डी के बराबर है और मान लो मान लो आप क्या कि यार सी एफ के बराबर है मान लो ऐसा चलो ठीक है तो आप पता है क्या कह सकते हो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे दो चीजें तो हमको मिल गई क्या कि यार एंगल ए एंगल डी के बराबर है एंगल सी एंगल एफ के बराबर है तो बाय डबल ए क्राइटेरिया बाय डबल ए क्राइटेरिया आप कह सकते हो आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं सिमिलर हैं ठीक है कैसे ट्राइंगल्स आप लिख सकते हैं यहां पे दिस विल बी ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई क्लियर है देखो ना ए डी के बराबर है सी एफ के बराबर है ऑटोमेटिकली बीई e के बराबर हो जाएगा so, Now, similar, बच्चा, तो triangle, बाकी की चीजें भी सेम हो जाएगी कैसे आप लिख सकते हैं यार बी ई e के बराबर होगा एंड साथ में आप लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू सी बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन इस तरीके से लिख सकते हो आप ठीक है देखो ना ए सी अपॉन डी एफ ठीक है फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ ए बी अपॉन तो आपके ट्राइंगल सिमिलर भी हो गए एंड इसके बाकी जो बचे कुचे पार्ट्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और एक एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा ठीक है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से किस किस को ये बात समझ में आ गई ठीक है बच्चा अगर कोई चाहता यार यहाँ पे मैम हम ए बी सी सिमिलर टू डी एफ लिख सकते थे क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डीई एफ ये आप लिख सकते थे क्योंकि ए डी के बराबर है बी आर ई के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा सी आपके एफ के बराबर है तो आप यहाँ पे कैसे लिखते डबल ए से सिमिलर हो गया एंड बाकी की जो चीजें हैं वो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो ए बी अपॉन ई लिखते आप है ना फिर आप लिखते बी सी अपॉन ई एफ फिर फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ ऐसा लिखते हैं आप ठीक है बच्चों और ये भी तो कुछ ऐसा ही आया ए सी अपॉन डी एफ सी बी अपॉन ई एफ ए बी अपॉन डी ई आई होप कि आपको ट्राइंगल का नाम लिखना समझ में आया और कंडीशन समझ में आई डबल ए सिमिलैरिटी ये कहता है किसी दो ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल है तो येस योर ट्राएंगल विल बी सिमिलर और अगर दो ट्राएंगल सिमिलर है तो बाकी की जो चीजें होती हैं जैसे कोई एक एंगल बचा है वो भी इक्वल हो जाएगा कुछ साइड्स है तो वो साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाती हैं ठीक है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो बाकी की चीजें भी हो जाती हैं ठीक है आफ्टर दिस आफ्टर डबल ए वी विल स्टडी आवर ट्रिपल एस ट्रिपल एस तो बहुत ही प्यारा है ट्रिपल एस का मतलब क्या है साइड 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 मतलब अगर तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल है देन योर ट्रायंगल विल बी सिमिलर ठीक है जैसे मैंने लिखा यहां पे एक ट्रायंगल बना लिया वही प्यारा सा दिस इज ए बी सी और यार एक ट्रायंगल हमने बना लिया डी ई एफ अगर बच्चा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है तो मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ से देखो ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ ए सी अपॉन डी एफ तो माई ट्राइंगल विल बी सिमिलर कौन से क्राइटेरिया से ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल्स में जो ये बचे कुछ चीजें हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी क्या ये तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए डी के बराबर बी ई e के बराबर सी एफ के बराबर वो भी आप लिख सकते हो एज अ आउटकम ठीक है सिमिलैरिटी समझ में आया इसके बाद यार लास्ट सिमिलैरिटी है आपके पास एस ए एस साइड एंगल साइड यहां पे याद रखेंगे एंगल जो है दो साइड्स के बीच में होना चाहिए तो ये ऐसे सिमिलैरिटी कैसी होती है बच्चों यहां आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है डी ई e, एफ ठीक है यहां पे दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए ठीक है जैसे अगर मैं कहूं कि यार अगर ए बी अपॉन डी ई है बी सी अपॉन ई एफ है और साथ में एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है दिस साइड अपॉन दिस साइड दिस साइड अपॉन दिस साइड और भैया इनके बीच वाला एंगल अगर ये इक्वल है इस तरीके से है तो आप कहते हैं कि बाय साइड एंगल साइड हमारे ये जो ट्राइंगल है कौन कौन से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल डी ई e, एफ से चेक कर लो सबके सब ए बी अपॉन डी ई ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ बी सी अपॉन ई एफ बी ई बी ई के बराबर है ठीक है तो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे शर्त क्या है भैया दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए फिर ये साइड अपॉन ये साइड ये साइड अपॉन ये साइड एंड ये एंगल इक्वल अगर ये क्राइटेरिया लग गया तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया एंड बाकी की चीजें आप लिख सकते हो कैसे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो 101% यार a d के बराबर हो जाएगा c f के बराबर हो जाएगा एंड

आप कहेंगे मैम यस हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि मैम एंगल ए एंगल पी के बराबर है एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है एंगल सी एंगल आर के बराबर है तो डेफिनेटली मैम बाय ए ए ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर चेक कर लेंगे सबके साथ सब, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है कौन से रूल से सिमिलर है बच्चा इट इज सिमिलर बाय ट्रिपल ए तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप लोग ट्राई करेंगे जल्दी से बच्चा यार मुझे इसका आंसर देंगे सबके सब जल्दी से इसका आंसर देंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे सबके सब साइड्स सब है तीनों की तीनों बेटा साइड्स है यहां पे ठीक है तो बहुत ध्यान से देखते हैं चलो जी चलो जी कैसे देखा जाए यस yes.

ए सी अपॉन पी क्यू थ्री बाई सिक्स वन अपॉन टू यस साइड्स कैसी आ रही है प्रपोशनल आ रही है मैं क्या लिख सकती हूं यहाँ पे कि हाँ टू ए सी अपॉन पी क्यू तो है तीनों साइड्स प्रपोशनल है दैट मीन वॉट माई ट्राइंगल इज सिमिलर अब ट्राइंगल का नाम बहुत सही से लिखना है चलो जी कैसे लिखोगे ए बी सी abc सिमिलर टू चेक करेंगे qrp क्या मैंने सही नाम लिखा है चेक कर लो आप लोग ab अपॉन qr था ab अपॉन qr bc अपॉन rp होना चाहिए bc अपॉन rp rpprs एक चीज ठीक है उसके बाद ac अपॉन qp ac अपॉन qp यस yes, हमने ट्रायंगल का नाम सही लिखा है तो बाय ट्रिपल s माय ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो भैया नाम लिखना समझ में आया सबको चेक कर लेंगे सबके सब ट्रिपल एस से यार हमारा ट्राइंगल कैसा हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा सो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी देखो ना ए बी अपॉन क्यू आर था हा यहां पे देखो ए बी दिस इज ए बी अपॉन क्यू आर था हा बी सी अपॉन आर पी था हा ए सी अपॉन पी क्यू था हा ठीक है तो ऐसे नाम देना है बेटा आपको पहले ऐसा लिख लिया एक ट्राइंगल को लिख लो ए बी सी ABC, फिर देखो है 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 चलो भाई ये 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 वाला या या नहीं नहीं सब तो चेक कर लेते हैं दो से एंगल है, दो से फंसा फंसा हो सकता है साथ एंगल साथ से हो जाए ठीक है तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यार मुझे क्या नजर आ रहा है मुझे दिख रहा है यहां पे, कि MN, मैं पे लिख सकती हूं अपॉन pq कितना होगा 25/50 दैट इज इक्वल टू 1/2 2.5 है ना डेसिमल नीचे चला गया फिर मुझे दिख रहा है यार बेटा mn अपॉन qr ml अपॉन qr 5/10 दैट इज इक्वल टू 1 ठीक है जी फिर उनको दिख रहा है यार एंगल n एंगल q के बराबर साइड एंगल साइड लग रहा है ना तो आप यहां पे क्या लिखेंगे आप यहां पे लिखेंगे कि ट्रायंगल कौन सा ट्राइंगल बेटा आप लिखेंगे ठीक है 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 इस सिमिलर सिमिलर टू कौन कौन सा किससे इसके नीचे कौन है? P -Q. P -Q. फिर क्या है आर चेक कर लो एन एम अपॉन पी क्यू था हा एमएल अपॉन क्यू आर एनएम अपॉन पी क्यू था ठीक है एम एल अपॉन क्यू आर था हा फिर एम बराबर है हाँ तो सारी पोजिशन ठीक है yes, it's similar by SAS. तो SAS से ये इट सिमिलर बाई एस एस तो एस एस सेमवर है, है. ये सिमिलर है या नहीं और अगर सिमिलर है तो कौन से रूल से सिमिलर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है बच्चा ये आपका होमवर्क है चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे बेटा पी क्यू आर एस से पैरल है आपको प्रूव करना है कि दिस ट्राइंगल पीओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एसओ आर ये आपको शो करना है बेटा कैसे शो करूं? पी क्यू आर एस से पैरल है पी क्यू आर एस से पैरल है और डायग्राम में चेक करते हैं है। अच्छा ट्राइंगल के बाहर ये मैं जाना सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल को कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है पीओ क्यू को एसओ आर से सिमिलर करना है कैसे करेंगे सिमिलर क्या आपको Z नजर आ रहा है पैरल लाइंस हैं क्या आपको Z नजर आ रहा है क्या बच्चा सबके सब यस दैट मींस वॉट ऑल्टरनेट एंगल्स ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा ठीक है फिर ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल बराबर होंगे तो बाय ट्रिपल ए माई दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो कैसे लिख कर आओगे आप लिख कर आओगे यहां पे कि मैम एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एसओ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है ना जी ये इसके बराबर होगा पीओ क्यू एसओ आर के बराबर फिर आप लिखेंगे क्यूपीओ क्यूपीओ इज इक्वल टू एंगल क्यू पीओ एंगल किसके बराबर है बच्चा ये बराबर है क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर एस ओ है ना जी वाईट इंटीरियर एंगल्स लिख देना रीजन फिर पी क्यू ओ पी क्यू ओ इज इक्वल टू पी क्यू ओ पी क्यू ओ किसके बराबर है जी इसके बराबर देखो ना ऑल्टरनेट जेड दिख रहा है ये इसके बराबर होगा इट इज इक्वल टू पी क्यू ओ पी क्यू ओ एस आर ओ के बराबर है ऑल्टरनेट एंगल्स तो भैया हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पीओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एसओ आर देख लो बच्चा पी एस के बराबर है हा पी एस के बराबर है ठीक है ओ ओ के बराबर है हा वर्टिकली अपोजिट क्यू आर के बराबर है हाँ क्यू 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 आर के बराबर है ठीक है सो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया माय दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सबको आ गया समझ में एवरी बच्चा फटाफट बता देंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या हैरानी ना जाने क्या कर दिया सबसे पहले हमने ऑल्टरनेट लगाया ठीक है और उसके बाद काम कर दिया आर एस ओ एक ही बात है ठीक है पी क्यू ओ पी क्यू ओ किसके बराबर है क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू ओ आर एस सॉरी सॉरी P -Q -O. P -Q -O किसके बेटा ओ आर एस के बराबर है ओ आर एस ठीक है क्लियर है One, two, three, four, लिख दो यार वो ज़्यादा अच्छा है. चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं बच्चा. के पेपर देखोगे यार बहुत बार ये सवाल पूछा गया है इस फिगर में हमें कुछ दे दिया है इन लोगों ने हम लिख लेते हैं यार इसको क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर के बराबर है वाह कैसा गिवन है ये QR अपॉन QS किसके बराबर है QT अपॉन PR के बराबर है शानदार QR अपॉन QS QT अपॉन PR के बराबर पता नहीं क्या दे दिया इन्हें ठीक है फिर चलो एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ओके जी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है दिस इज एंगल 1 दिस इज एंगल 2 और अगर ध्यान से देखें बच्चा तो, ये तो एक ट्राएंगल है पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल वन एंगल टू के बराबर है हमें शो करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर अब ये डायग्राम थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा यहां पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कहा है पी क्यू एस सबके सब चेक करेंगे सबके सब चेक करेंगे पी क्यू एस पी क्यू एस पी क्यू एस अच्छा इसको सिमिलर करना है किससे टी क्यू आर से ठीक है टी क्यू एस को टी क्यू आर से सिमिलर करना है ट्राई करते हैं ट्राई करते हैं बच्चों आओ सुनो एंगल वन एंगल टू के बराबर क्यों दिया है क्यों दिया है एंगल वन एंगल टू के बराबर क्यू आर ट्राइंगल में है इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है इनको तो यार ये ये और बाहर बैठा TQR को सिमिलर करना है, है? में एंगल वन, एंगल टू के बराबर क्यों दिया मैम, मैम बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हम जानते जानते हैं, क्या जानते बेटा? तो एंगल आ, बोल तो सही रहे हो बेटा? इक्वल मतलब PR सबके सब चेक कर लो यस yes, बिल्कुल सही कहा जिसने भी कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग कि यहां पे यहाँ पे एंगल वन एंगल टू के बराबर है तो यार हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर वाई अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स है ना हर इक्वल यार पूरा स्टेटमेंट लिखोगे ठीक है ओके okay. पर ऐसे क्या मजा आ गया अरे मैम ये भी तो गिवन है ठीक है इसकी भी हेल्प ले, ले लेते हैं आप कह रहे हो तो जो गिवन है यार उसकी भी हेल्प ले लेते हैं हमसे तो हो नहीं रहा जो गिवन है उसकी हेल्प ले लेते हैं शायद कुछ हो जाए यार हमको गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर पी आर पी क्यू के बराबर है ना चलो जो आया है लिखते चलते शायद कुछ हो जाए शायद कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। है ना तो यार आर की जगह पे पी क्यू लिख देते हैं ठीक है अब ट्राइंगल को बेटा फिर से देखते हैं चलो यार एक बार फिर से ट्राइंगल को देखते हैं इतना काम सबको समझ में आया ये गिवन था पी आर की जगह पे पी क्यू लिखा इससे बेटा पी क्यू एस को टी क्यू आर के बराबर शो करना है अरे चमक गया क्वेश्चन टी क्यू एस को टी क्यू आर के बराबर करना है एंगल क्यू कॉमन आ रहा है दोनों में एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू इट्स कॉमन ठीक है आप लिख देंगे यार पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिखो आप लिखेंगे यहां पे कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर क्यू कॉमन एंगल साइड एंगल साइड से कुछ हो रहा है क्या अब इस कंडीशन को देखो बच्चा और इस कंडीशन को देखो शायद अपना काम हो गया है है है। ना? शायद अपना काम हो गया कंडीशन कंडीशन देखेंगे देखेंगे। सब। के सब ओके, okay. सब बेटा सब हमारे पास एक क्यू आर क्यू आर छोटा ट्रायंगल देखते हैं ठीक है छोटा ट्राइंगल ये रहा पी क्यू एस क्यू एस अपॉन क्यू आर क्यू पी अपॉन क्यू टी अरे बेटा हो गया ट्राइंगल सिमिलर हो गया देखो ना सबके सब देखो क्वेश्चन हो गया बेटा क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन क्यू पी एंड दिस एंगल इज कॉमन तो बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर देखो ना जी पी क्यू अपॉन टीक्यू पी क्यू अपॉन टी क्यू क्यूएस अपॉन क्यू आर क्यू एस अपॉन क्यू आर ठीक है अगर यहां से देखोगे तो टी क्यू अपॉन पी क्यू टी क्यू अपॉन पी क्यू ंगल साइड आपके दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए सिमिलर हो गए क्वेश्चन फिनिश हो गया समझ में आया सबको सबसे पहले आईसोसिलिस की प्रॉपर्टी लगा दी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल ठीक है इसके बाद यार यहाँ पे जो गिवन था उसे पी क्यू कर दिया फिर बस अपने क्वेश्चन को पढ़ा हमारा आंसर सॉल्व हो गया ऐसे ऐसे ठीक है साइड एंगल साइड से क्वेश्चन खत्म इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लो सबके सब डीज साक्वल टू बी ए सी शो कर दीजिए ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन बनाते हैं एक ट्राइंगल है ये रहा ट्राइंगल ए बी सी

ये तो श्योर है दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है वो दो ट्राइंगल्स क्या होंगे बच्चा एक तो होगा आपका ये वाला ट्राइंगल और एक होगा आपका ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना क्योंकि इसमें ही कुछ ना कुछ हमें गिवन था तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं एक ट्राइंगल यार हम ए डी सी लेते हैं एंड एक ट्राइंगल यार हम बी ए सी लेते हैं ठीक है अब यार हमको गिवन था कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी हमें गिवन था क्या यस इट वॉज गिवन ए डी सी बी ए सी के बराबर है साथ में बच्चा ये जो सी है ना छोटू ट्राइंगल में भी आ रहा है बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी तो हम क्या कह सकते हैं कि आर ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी नाम चेक कर लो सही है या नहीं देखो बेटा डी एंगल ए के बराबर है उसके बाद सी सी एंगल C के बराबर है सब ठीक है ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल बी अब ये सिमिलर हो गया बेटा बाय डबल ए तो बाकी की चीजें भी प्रोपोर्शनल हो जाती है, है ना अगर या ये सिमिलर हो गया है तो बाकी की जो चीजें हैं वो इक्वल और प्रोपोर्शनल हो जाएगी जैसे अगर एक एंगल बचा था यहाँ पे कौन सा ये छोटू वाला एंगल ये छोटू वाला एंगल किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा ठीक है एंड साथ में साइड्स प्रोपोर्शनल होगी तो आओ साइड्स लिखते हैं अपन कौन-कौन सी साइड होगी बेटा ट्रायंगल का नाम जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे आप लोग AD अपॉन BA विल बी इक्वल टू DC अपॉन AC ए सी अपॉन बी सी ट्राइंगल का नाम लिखने का स्टाइल क्या है बेटा पहले ये दो फिर ये दो फिर लास्ट के दो तो एडी अपॉन बी ए डी सी अपॉन ए सी ए सी अपॉन बी सी इसमें सॉल्यूशन में, में देखिए कहीं पे भी एडी या ए बी का यूज नहीं हुआ है तो वी विल मेक यूज ऑफ ओनली दीज टू ठीक है तो हम कह सकते हैं डीसी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो dc bc ac ac इसको यार dc को मैं cd bc को cb लिख सकती हूँ तो cb cd ac ac को ca ac लिख सकती हूँ तो दिस इज इक्वल टू ca स्क्वायर ठीक है क्लियर हुआ सबको तो ca का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है cb cd के बराबर आ रहा है हेंस प्रूफ हो गया तो सबसे पहले बच्चा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया फिर क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर तो यार साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल तीनों साइड्स इक्वल थी इससे मतलब नहीं था सिर्फ इन दोनों को ले लो इससे क्यों मतलब नहीं था क्योंकि आंसर में चाहिए नहीं एडी और ए बी तो इन दोनों को लिया क्रिस क्रॉस किया एंड यू गॉट योर आंसर इसके साथ आपने बेटा इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है इसके साथ हम लोगों ने ट्राइंगल्स के सारे कंसेप्ट को पढ़ लिया बीपीटी थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम उसके क्वेश्चन को कैसे टारगेट करना है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है क्वेश्चन को कैसे टारगेट करना है ट्राइंगल्स का नाम कैसे लिखना है ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली है नाउ वॉट यू हैव टू डू इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करेंगे एंड सबसे अच्छा फोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आपकी एनसीईआरटी बुक आप एक एक क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली प्रैक्टिस करना इतने कंसेप्ट के बाद आप सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ टिल देन टेक केयर